एक और जहां बीजेपी कांग्रेस को लिस्ट को लेकर घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना यह है कि 18-19 तारीख तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी की गारंटी, युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद 1,00,000 रुपए देने और बहनों को 8,500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की वादा खिलाफी से जनता नाराज है। वहीं जीतू पटवारी ने बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर भी तंज कसा है। विरोधी की तुलना में कांग्रेस क्यों विलंब करती है प्रत्याशी चयन में, जैसे विरोधी पहले कर देते हैं विधानसभा, ये ऐसा देखा हम लोग? कोई बात नहीं, अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरा हो जाए। 1,00,000 रुपया ग्रेजुएशन जैसे ही हमारे युवा ने किया उसको मिलेंगे। किसानों की हम फिर से सहायता करना चाहते हैं, समर्थन मूल्य के साथ उनकी के कर्ज में माफी होगी। हमारी नीति हमेशा उद्योगपतियों को जो 16,00,000 करोड़ रुपए की सहायता नरेंद्र मोदी सरकार ने की और वो पीएम केयर फंड में वापस लिया या इस बांड योजना में उनसे वापस लिया, इस करप्शन को करने की कोशिश की कांग्रेस। हमने जो बाहर निकाले वो लिस्ट हमने बाहर की थी, सज्जन वर्मा ने उसमें बयान दिया था, कमलनाथ जी के टाइम पे हो गए थे। जो ज्वाइन किए उनका थोड़ा मेहनत करो, मूल्यांकन करो, आपस में मिला कि किन लोगों को हम पहले ही बाहर कर चुके थे और फिर उनको उन्होंने लिया। जिनको हमने बाहर किया चुनाव में, जो निर्दलीय लड़े उनको तो वापस नहीं ले सकते हैं, और जो लोग बचे हुए रह गए मैं मेरे से पहले उनसे पूछ के आओ। उनके लिए मैं पहले भी कह चुका था, आखिरी बार कह रहा हूँ, भगवान उनका भला करे, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, जिस नियत के लिए जिस भावना के लिए गए वो उनका भला हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ।